भाई बैठे हैं इतिहासकार जी मिश्रा जी, जी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास की बात कर रहे हैं या ये जो बोट से पहले आपको पहले चाहे चुनाव एक हफ्ते रह जाए चाहे वोटिंग का दिन हो आपको हमारे देश के बोलने दो बोलने दो हम करेंगे बोलने दो बोलने दो मिश्रा जी भाटी जी को कहेंगे क्वेश्चन ये नहीं है रोका कौन है मिश्रा जी आप ही लोग तो रोक रहे हैं सर पर्सन ये नहीं है पर्सन ये है टीवी पे आप लोग इसको आप बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजा मेहरबोध को नहीं बहाना चाहते षड्यंत्र चल रहा है इतिहास के साथ मैं आपको बताता हूँ हम राजा रामचंद्र की बात करें तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है हम राजा कृष्ण की बात करें लोकतंत्र हम विक्रमादित्य महाराज की बात करें तो लोकतंत्र और पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है हम मिहिर भोज की बात करें हम ललितादित्य की बात करें हम इसी तरीके से साउथ इंडिया के जो चोल चालुक्य हैं हम अपने पूर्वजों की बात करें तो हमारा देश खतरे में है यह शर्म की बात है हमें समझना चाहिए हम किसकी बात करें हम अरब के किसी खलीफा की बात करें जिसने बहन बेटियों को लूट लिया है तब देखिए हम कितने बड़े जो है बहुत बढ़िया हम शासक रहेंगे हम टर्की की हम खिलाफत को फिर से जिंदा करने की बात करें तब यहाँ पे हम कश्मीर को जो अलग करने वाले हैं उनको कोई सम्मान दे तब इनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा हम विक्रमादित्य की बात करें हम कृष्ण की बात हर मैं इतने दिनों से देख रहा हूं हमने जब जब अपने देश के महापुरुषों की बात की है किसी न किसी पार्टी के पेट में दर्द हुआ है और रही बात सम्मान करने की बात मैं बोलता हूं इलेक्शन के एक दिन पहले वोटिंग डे के पहले अगर हमें सम्मान करने का मन हुआ अपने देश के महापुरुषों का तो हम करेंगे ये कानून और ये संविधान हमें अधिकार देता है जी, जी, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है क्यों अल्लाह मचा रहे हैं लोग बिल्कुल 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 ये बात सही उठाई भाटी जी मैं आपके पास आऊंगा ये जिस बात दिन वोटिंग ये बात मिश्रा जी ने हम विक्रमादित्य का सम्मान करेंगे माला पहनाएंगे मूर्ति का अनावरण करेंगे ये बात मिश्रा जी ने सही कही कि जब जब इस देश के महान इतिहास के जो पात्र है उनकी बात की जाती है तो एक सियासत शुरू हो जाती तब देश है और निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है टीपू सुल्तान की हम बात करते हैं कोई विवाद मैं इस बहस में इतिहासकार हमारे साथ एके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं मैं उनके पास जाऊंगा मिश्रा जी ये जो पूरी आज बहस शुरू हुई है आप इतिहास चूंकि आप इतिहासविद है इतिहास के जानकार है क्या आप जो हमारे दर्शक जुड़े हुए मीर भोज के बारे में क्या साक्ष्य है उस पर क्या आप अपनी नजर डालना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे मीर भोज का असल इतिहास क्या है क्या कहता है इतिहास देखिए सही मामलों में अगर इतिहास का या इनके इतिहास का अगर हम लोग बात करें ना तो ये लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं पहली चीज सनातन परंपरा इस देश की रही है वाल्मीकि की कभी किसी ने जाति पूछी नहीं पूछी राम की पूछी कृष्ण की पूछी महाराणा प्रताप को उनकी जाति के कारण जाना जाता है कि उनके कर्मों के कारण जाना जाता है यहाँ पे एक अवस्था ऐसी आती है कि आदमी अपने कर्मों से तब से वो जाति और इन सब के बंधन से ऊपर उठ जाता है वो पूरे समाज के लिए होता है प्रतिहार शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है अगर इसकी आप इतिहास देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है उस वक्त जो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक इनका जो पूरा वंश चला था वो ये लोग जो प्रतिहार है वो ये मानते थे कि प्रतिहार का मतलब होता है डोर कीपर यानी जो घर की रक्षा करे बाहर रह करके और ये किसके संदर्भ में बोला गया है भगवान राम के भाई लक्ष्मण लक्ष्मण पूरी जिंदगी भर वो घर की रक्षा करते रहे तो ये जो प्रतिहार वंश है ये अपने आप को लक्ष्मण के एंसेस्टर या उनसे कोरिलेट करते हैं कि हम उनके हैं अच्छा दूसरी चीज गुर्जर और राजपूत के बीच एक फर्क देखिए एक फिलॉसफी ये भी बोलती है कि गुर्जर एक एरिया था और प्रतिहार उसके राजा थे वहां पे मेरे कहने का मतलब एक और ये पृथ्वीराज रासों में ये लिखा हुआ है कि इनकी उत्पत्ति हुई एक दैवी शक्ति से जो है माउंट आबू पे एक हवन या यज्ञ किया गया तो अग्नि से ये पैदा हुए थे कई तरह के यहाँ पे मैथोलॉजी और हिस्ट्री है देखिए इसको तो अब 8वीं शताब्दी में अगर राजा वो थे उनका राज्य था और बहुत विशाल राज्य था उन्होंने सबसे बड़ा ये किया कि एक तरीके से जिहाद उस वक्त भी हुआ था खिलाफत की सेना आई थी अरब से जिसके दो कमांडर थे उनका वो कमांडरों का नाम अगर आप ये देखेंगे तो एक तिमिर था एक जुनैद था उसको उन्होंने हराया था उनके काम को देखते हुए और ये जो इतिहास में जो चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे ऐसा कोई विवाद नहीं है कि वो राजपूत थे कि वो छत्री थे वो गुर्जर थे क्या थे यहाँ दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ दिक्कत ये है एक महान सम्राट की उपासना या उनको सम्मान एक करंट में जो राजा है जो सरकार है वो दे रही है अरे सरकार दे रही है तो ये गर्व के लिए बात है इसके पहले सरकार किसको सम्मान देती थी आप जरा देखिए किताबों में भरा पड़ा था अकबर को सम्मान दे अशोक को महान बोला जाए तो माना जा सकता है अकबर को महान किस चीज लिए बोला गया
तो सम्मान तो हमेशा अकबर को, बाबर को, इनको दिया गया। चाहे राजपूत सेना हो, करणी सेना हो, चाहे कोई भी हो, अगर सरकार सम्मान कर रही है, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा तो किसका होगा, आप मुझे बताइए। बाहर के खलीफाओं का सम्मान देना पड़ेगा। झगड़ा यहाँ पे ये है, आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? अगर कोई करंट में एक सरकार हमारे किसी बहुत बड़े योद्धा को, महापुरुष को, कन्नौज इनकी राजधानी थी, बगल में समाजवादी पार्टी रही है, आज तक इनको याद नहीं आया है। हमारे बगल में जो ये अभी आधुनिक गुर्जर सम्राट, इनको अगर हम बोले कितनी, सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, कितनी बार आप कन्नौज गए हैं? आप कन्नौज, आपको इतिहास में चीजें बता दीजिए, मैं रख रहा हूँ। बीजेपी की नहीं, दिक्कत दिक्कत यहाँ पे ये है, बात रखने दीजिए, बात कह रहे अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, समाजवादी, मैं पूछ रहा हूँ, आप गुर्जर समाज से हैं। कन्नौज, कन्नौज में दो तीन राजाओं का नाम बताइए जो बहुत महान हुए थे। मैं देखता हूँ कितना, बताइए कितने थे। आपको अपने वंशज के बारे में बताता हूँ आपको। सरदार पटेल गुजर थे, विजय सिंह पथिक गुजर थे, राजा अनुपाल तंवर गुजर थे, पृथ्वीराज चौहान गुजर थे, और हमारे किसका सम्मान में कमी हुई है? पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में कमी हुई है, सरदार पटेल के सम्मान में कमी हुई है, 84 लोगों को फांसी लगाई। मुझे ये बताइए, मैं देश के सारे लोगों से बोलता हूँ, हमारे देश के एक बहुत बड़े योद्धा, इतिहास की बात बताइए। अरे बात सुनिए, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ, मत बनिए। भाटी जी ऐसे नहीं चलेगा, आप किसी को भी लेबल नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल, मिश्रा जी ने कहा भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, क्या कमी किसी को दिखती? मैं बोलता हूँ कोई एक, मैं बोलता हूँ साउथ इंडिया से कोई आके अगर उनका सम्मान करता है तो क्या दिक्कत? बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिश्रा जी, मिश्रा जी, आप बवाल किस लिए कर रहे हैं? राजपूत कर रहे हैं, कोई भी हो आप है, आपको तो बुलाना चाहिए दूसरे लोगों को कि भाई आइए सब मिल के सम्मान करते हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, सही बात कही, सवाल भी देश का यही है। क्या बात है, पूरा विश्वास में लेके बैठा हूं। एक-एक करके बात करेंगे मिश्रा जी, एक-एक करके बात करेंगे, एक-एक करके मिश्रा जी, भाटी जी, एक-एक करके। भाटी जी आप संयम रखे, भाटी जी वो गुर्जर के हैं या राजपूत हैं? सत्य को आप बदल दोगे? सर आप मुझे ये बताइए, कोई एक साक्ष्य मुझे बताइए। मैं मिश्रा जी, भाटी जी, बहस ऐसे नहीं हो पाएगी। साल पहले की ये बात है, पढ़ के बताइए ना, ये पढ़ के बताइए ना, बहस बहस ऐसे नहीं हो पाएगी। ये जेवर के विधायक 2017 में लेटर लिखते हैं खेल मंत्री पीयूष गोयल, इसको रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को, बात सुनिए मेरी, बात सुनिए, बात को हम मान लेंगे कि दादरी रेलवे स्टेशन का नाम सम्राट मीर भोज गुजर जी के नाम पर रखा गया। इतिहास की बात हुई, अरे मैं बता रहा हूँ आपके लिए, तीन साल पहले की बात, इतिहास की बात सुनिए, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए जी। तो हमारा मोदी जी को भी कह दे, मोदी जी भी गुजर थे, अमित शाह गुजर है, ग्रेटर नोएडा में आज प्रधानमंत्री, ये तो यही काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ा विद्यालय है, संस्थान है, ये गर्व की बात है। बात अगर इतिहास की करें तो उस वक्त के प्रतिहार राजाओं जी ने जी अपने आप को ये, अभी हमारे पास बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, मिश्रा जी, मिश्रा जी, लक्ष्मण से जो है, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, भाटी जी, अभी हमारे साथ लंबा चौड़ा पैनल है, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। मिश्रा जी कर रही है ब्राह्मण समाज को, मिश्रा जी कर रहा है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, भाटी जी, मिश्रा जी, आज तक मैं बताता हूँ कितने नोएडा में बैठे हैं, कोई कन्नौज नहीं गया। मिश्रा जी, मिश्रा जी, भाटी जी, कन्नौज के इतिहास के बारे में मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा सर, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे। बहस में और भी लोगों को हमें शामिल करना है, हम सबको मौका मिलेगा। मिश्रा जी से भी मेरा निवेदन है और भाटी जी से भी कि सुन लिया जाए, एक एक की बात सुने, हम बात रखें। भाटी जी शांत रहिएगा, बात सुन लीजिए। कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप पर भी आरोप लग रहा है। इतिहासकार के मिश्रा जी कह रहे हैं कि कन्नौज आपके बगल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी महापुरुष को सम्मान नहीं दिया। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक बहुत सारा लंबा चौड़ा पैनल है हमारे साथ। भाटी जी, भाटी जी, संयम रखिए। भाटी जी देश देख रहा है आपको। इतिहासकार के मिश्रा ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का शासन जब रहा तब महानायकों को सम्मान नहीं मिला। कीर्ति निधि पांडे क्या कहना चाहेंगे आप? और इस साजिश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शामिल है।
कितनी बार चर्चा की है, कभी इनको याद था? मिश्रा जी का सवाल है सर आपसे, कीर्ति निधि जी। मिश्रा जी इतिहासकार कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। नहीं, यही दिक्कत है सर, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके साथ सवाल का जवाब दीजिए, पार्टी से मत जोड़िए। अगर अगर के मिश्रा इतिहासकार है तो मेरे सवाल का जवाब है कि मिहिर घोष किस जाति के थे, क्यों नहीं बता पाते? आपने सुना नहीं पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हैं राम कौन थे, यही कमी है। इतनी देर से मैंने ये भी बता दिया कि प्रतिहार शब्द कहां से लिया गया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, आप नहीं सुन रहे हैं, यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप बताइए, लोकतंत्र में आप प्रदेश के मुखिया को राजा बता रहे हैं, यही इतिहास जानते हैं सर। रोल वही है, रोल वही है, जो मालक है, रोल वही है। समाजवादी पार्टी के नेता जो है, प्रवक्ता जो है, शायद उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आगे बढ़ते और उसी का जन्म के अंदर है, बाबर की चर्चा हो, हुमायूं की चर्चा हो, अकबर की चर्चा हो, जहांगीर की चर्चा हो, जितने आक्रमणकारी हैं उनकी चर्चा हो, ये इतिहास में छत्रसाल को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, राजा मेहरबोध को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। षड्यंत्र चल रहा है इतिहास के साथ। मैं आपको बताता हूँ, हम राजा रामचंद्र की बात करें तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, हम राजा कृष्ण की बात करें लोकतंत्र, हम विक्रमादित्य महाराज की बात करें तो लोकतंत्र और पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है, हम मिहिर भोज की बात करें, हम ललितादित्य की बात करें, हम इसी तरीके से साउथ इंडिया के जो चोल चालुक्य हैं, हम अपने पूर्वजों की बात करें तो हमारा देश खतरे में है। यह शर्म की बात है, हमें समझना चाहिए। हम किसकी बात करें, हम अरब के किसी खलीफा की बात करें जिसने बहन बेटियों को लूट लिया है, तब देखिए हम कितने बड़े जो है बहुत बढ़िया हम शासक रहेंगे। हम टर्की की, हम खिलाफत को फिर से जिंदा करने की बात करें तब यहाँ पे, हम कश्मीर को जो अलग करने वाले हैं उनको कोई सम्मान दे तब इनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम विक्रमादित्य की बात करें, हम कृष्ण की बात, हर मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, हमने जब जब अपने देश के महापुरुषों की बात की है किसी न किसी पार्टी के पेट में दर्द हुआ है। और रही बात सम्मान करने की, बात मैं बोलता हूं इलेक्शन के एक दिन पहले, वोटिंग डे के पहले अगर हमें सम्मान करने का मन हुआ अपने देश के महापुरुषों का तो हम करेंगे। ये कानून और ये संविधान हमें अधिकार देता है। जी जी, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों अल्लाह मचा रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही उठाई भाटी जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जिस दिन वोटिंग होगी मिश्रा जी ने, हम विक्रमादित्य का सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये बात मिश्रा जी ने सही कही कि जब जब इस देश के महान इतिहास के जो पात्र है उनकी बात की जाती है तो एक सियासत शुरू हो जाती है और निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। टीपू सुल्तान की हम बात करते हैं, कोई विवाद नहीं होता, ये बात सत्य है। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाटी जी, आप कहें अपनी बात, एक एक अपने अपने टर्म में बात कहें। जी, हमारे जो भाई बैठे हैं इतिहासकार जी, मिश्रा जी, जी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास की बात कर रहे हैं या ये जो वोट से पहले आपको पहले चाहे चुनाव एक हफ्ते रह जाए, चाहे वोटिंग का दिन हो, आपको हमारे देश के बोलने दो, बोलने दो, हम करेंगे, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। भाटी जी को क्वेश्चन ये नहीं है, रोका कौन है मिश्रा जी? आप ही लोग तो रोक रहे हैं सर। पर्सन ये नहीं है, पर्सन ये है, टीवी पे आप लोग इसको आप बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे, बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसलिए बैठाया गया है कि आप इतिहास के जानकार हैं और इतिहास के विभिन्न जो इतिहासकार रहे हैं सबके अलग अलग मत रहे हैं, सबकी अलग अलग अपनी विचारधारा के हिसाब से उन्होंने अलग किसी को आपको 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 यहाँ आपको यहाँ बैठाया है कि आप ये बताएं सम्राट मिहिर घोष भाटी जी आप किस जाति के थे? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह क्वेश्चन पूछने लगते हैं, फिर आप चुनाव के नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, मेरा एक ही ऑब्जेक्शन है, सवाल है पूरे देश से नेताओं से, आपने अपनी बात खत्म, लाखों साल की परंपरा है, अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगे, अपनी बात जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन करेंगे। आपका समय खत्म हो गया, क्यों है आपका समय खत्म हो गया, मुझे बात कहने दीजिए। सुनिए, अब आपने बोल लिया, आप शांत लगा जाइए, कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गिन गिन के बता लेंगे, आप कह रहे हो किसने रोका है, आप तो धमकियां दे रहे हो, ये जवाब नहीं सुनेंगे,
ये भाटी जी बोले, भाटी के प्रवक्ता जी को आप अपने समय में बोले, आप अपने समय में बोले की बात का जवाब दे रहा हूं। आप मेरा बात करिए, स्वागत है आपका। बोलिए बोलिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। आप कहते हैं कि ये जो मुद्दे की बात नहीं करते जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौतम बुद्ध नगर में कम से कम उनका 10वां दौरा है जी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बने हुए लगभग उसे 26 साल हो गए जी। आज तक किसानों की एक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सुनिए सुनिए सुनिए, मुद्दे की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे की बात कर रहे थे जी। ग्रेटर नोएडा जो संसद जहां पे देश का कानून बनता है उससे मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आज तक नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। सुनना सीखिए, आप बीजेपी में हो क्या? मैं बात कर रहा हूँ, अपना समय जो भारतीय जनता पार्टी के कहा इनके पास मुद्दे नहीं है। आप गौतम बुद्ध नगर के अंदर पंचायत चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? युवाओं को लोकल कहकर वहां से भगा दिया जाता है, आपका क्या स्टैंड है? कोरोना में आपसे बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सम्राट वीर भोज गुजर थे, गुजर हैं, गुजर रहेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, जहां डिबेट करनी है वहां जाओ, तथ्यों के साथ आ जाओ, जिसमें आप तथ्यों के साथ आ जाओ, उसे कोई झुका नहीं सकता। सत्य सत्य झूठ बोलने से, जोर से बोलने से ठीक है, बिगड़ नहीं सकता। आपने सच्ची क्या बोला? आप बीजेपी करनी सेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि यदि हमारे लिए सम्मान नहीं है। वो कुमार रघुवंशी के पास आपको इतिहास की जानकारी कम है, कुमार रघुवंशी के पास हम जाएंगे। कुमार जी आप आ जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारे जी भाटी जी, भाटी जी मिश्रा जी, भाटी जी मिश्रा जी नकली इतिहास आप इस बहस को निजी ना बनाएं, इस बहस को निजी ना बनाएं। आप आंकड़े नहीं लोगे, आप जान चुके हैं इतिहास है। 500 हार गए हूं ऐसे किसी के कहने मात्र से नहीं बदलेगा। मीर वॉल्ट डिग्री कॉल वाले बताऊंगा आपको, वो मुद्दा नहीं है। मेरा इतिहासकार है तो मेरे साथ तथ्यों के साथ बैठिए, और यदि आप सभी तथ्य नहीं है भाटी जी, आपके पास नहीं है, आपके पास भूल है, आप भूले पड़े हैं, बोल आप बीजेपी ने आपको भाटी जी, आप भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी, भाटी जी आप स्टूडियो में, मिश्रा जी, भाटी जी दोनों दोनों शांत रहे प्लीज। मैं पक्ष में बना रहे हैं, आप इस बहस को निजी बना रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं हो रही भाई, हमें दिक्कत नहीं हो रही। गुजर अपने पूर्वजों के ऊपर आपको अभिमान नहीं है? नहीं, आप डाइवर्ट करते हो, मत बनाइए। आप ये बताइए, आप राजनीति जी, भाटी जी, आप सब आप इसमें सबसे बड़े इतिहासकार आप नहीं है। अरे भाई हम उनसे बड़े नहीं है, किसी से भी बड़े इतिहासकार नहीं है। आपको बुक भिजवाने पढ़ना चाहिए, आपको मुझे बनाइए बहस को, आपने बारे में अपने अपने बारी में आगे आगे बढ़ने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। बहस आगे बढ़े, अपने अपने बारी में बोले, निजी ना हो, हम एक दूसरे पर आक्षेप ना करें, अपनी बात कहें। हम महाराजा मीर रोज की बात कर रहे हैं, जो पराक्रमी थे, आप कह रहे हो गुज्जर थे, है, रहेंगे, अच्छी बात है, आप उनको मानते हैं, लेकिन वो एक महानायक थे, सबसे पहले देश के लिए महानायक थे। और देश का आज सवाल यही है कि जाति के खांचे में उनको क्यों बांटा जा रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश? मैंने तो कभी कहा ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पचा गई है महाराज, आप इसी भूत के नाम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाट राजा कह के अपने देश के महापुरुषों की बात की जा रही है। जो अध्यक्ष क्या है, वहां जातिवाद है, जाति में जातिवाद नहीं रहेगा, वहां जातिवाद रहेगा। आप सभी राजनीतिक दलों की यही विडंबना है, एक एक जिले में कोई भी न्याय संगत बातें नहीं करते, हमारे देश के कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में अपने दावे देते रहते हैं, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? क्यों ऑब्जेक्शन है? जाति को उसमें अरे उनका नाम है नहीं, जाति के लोग हैं। मिहिर भोज जो जो राजा था अलीगढ़ में, तो आप जाट राजा कह रहे हैं। अरे हद हो गई, गुर्जर सम्राट ही तो बोलेंगे, आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, गुर्जर सम्राट बोलो, बोलो अच्छा लग रहा। अब आप नहीं तो फिर उनको जाट क्यों ना बोला जाए? जाट में वो जातिवादी राजनीति कौन कर रहा है? हद हो गई सर, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कौन कर रहा है जातिवाद? गुर्जर सम्राट मीर भोज को गुर्जर सम्राट बोलेंगे, अब बोले आप जाट शिरोम। अरे पहले नहीं बोला आपने? अरे सर मूर्तियाँ लगी हुई, पहले नहीं बोला, ग्रेटर नोएडा में चौराहा बना हुआ है, अभी बोल रहे हैं। वो
जो शिलालेख है ग्वालियर के शिलालेख है जो वहाँ से खुदाई में सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये बीजेपी या कांग्रेस ने वहाँ जाके विकास की बात करिए, क्यों आप जातिवाद में उलझ के बंटवारे की बात कर रहे हैं? अरे आपको मुख्यमंत्री जी पर भाजपा पे उंगली उठानी है तो विकास की बात करिए, सरकार की कमियां आप गिनाइए। अब मुद्दे नहीं है तो आप क्यों जानबूझ के जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं? ये कल के डेट में किसी को भी घोषित कर देंगे, समाज की यही विडंबना है। ऑब्जेक्शन क्या है मुझे ये? जी जी। राजा रामचंद्र की जब बात होगी तो उनके कुल की बात होगी, कृष्ण यदुवंशी थे, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है यदुवंशी बोलने? मिश्रा जी कुछ संदीप जी ने सवाल पूछा था, कौशिक जी जवाब दे रहे। जी संजीव जी बताएं। संदीप जी, जिसमें मुगल बिल्कुल जमीन में नहीं घुस पाए, विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने आदिवाराह की उपाधि ली थी, आदिवाराह यानी विष्णु का जो अवतार है, तो उनका सम्मान केवल एक हमारे महापुरुष थे, योद्धा थे, भारत में तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिसमें से एक हमारे ये मीर भोज भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन परंपराओं को उन्होंने जीवित रखा, उसके ऊपर आंच नहीं आने दी। अभी इस देश में अगर ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होगा जो लाखों साल की यहाँ की परंपरा की रक्षा कर रहे हैं तो किसका सम्मान हो? और हर दिन सम्मान होगा उसके लिए संडे मंडे और इलेक्शन और वोटिंग डे थोड़ी देखना है। इसी सम्मान की वजह से तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अब क्योंकि खुल के विपक्षी पार्टियां आ नहीं सकती है तो इधर उधर से जानबूझ के आप भाटी जी किस पार्टी की ओर से? जो गुर्जर समाज का एक राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय गुर्जर परिषद, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं जी। मैं मिश्रा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतिहास की जानकारी ये आप पूरे देश को बताई कि वो गुर्जर सम्राट थे और पूरे देश नहीं, पहले आपने शब्द मुझे पूरी बात बोलने दीजिए मिश्रा जी। जो विवाद हुआ 80 शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो विवाद किस बात का है? सवाल उठा रहे हैं, सवाल हमने सामने एक शब्द को हटाया जाता है। आपको भाटी जी ये कहना चाहिए कि महानायक है, महानायक थे, महानायक रहेंगे, सब सम्मान दे रहे हैं पूरे देश के, आप उनको एक जाति के खांचे में बांट के उनका अपमान कर रहे हैं भाटी जी। नहीं, मैं सम्राट मीर भोज गुर्जर जी पूरे देश के पेटेंट जो शासक थे, उससे दिक्कत है कि केवल एक 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 जो है जाति विशेष के हैं, ये जो पेटेंट करवाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, बहुत सारी पार्टियां कर रही है। दो बार नाम हटवाया गया, दो बार नाम जुड़वाया गया, तो ये सरकार तो बीजेपी की है। जो प्रोग्राम था वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे हुआ, उनके नेताओं ने किया, किसने रात को नाम हटवाया, किसने सुबह जुड़वाया, किसने मूर्ति अनावरण के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के समय पे संदीप जी किसने कराया? कांग्रेस आई थी, समाजवादी पार्टी है, कौन था, कौन है इसके